देखो इनके जाने की तैयारी हो चुकी है पूरी, तो अभी हमारा माइक रेडी हो चुका है। सो जय हिंद टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो गाइस। तो फिलहाल मैं काका के घर पे आ गया हूँ और यहाँ पे वीडियो अपलोड करने को आया था, शिरपुर टू छत्रपति संभाजी नगर व्लॉग अपलोड कर दिया है। और भाई थोड़ी गर्मी भी है यहाँ पे, तो देखो इस ऊपर वाले रूम में आ गया हूँ मैं। तो ये देखो ये एक रूम वहाँ पे रूम है, और ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क है वीआई का, इसलिए यहाँ पे आया था। और यहाँ पे देखो गाइस सीट्स लगा दिए है, मतलब कॉटन के जिसे हम पराठे कहते हैं, तो ये कप्स में लगा दिए है। और यहाँ पे ग्लास में लगे हुए हैं, तो देखो कुछ कुछ निकल के आए हैं, कुछ इस तरह के है और कुछ कुछ निकल रहे हैं, देखो पूरे मतलब इस तरह से। तो ये देखो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे बीज लगा दिया है, सेकंड स्टेज में कुछ इस तरह का आता है निकल के, थर्ड स्टेज में थोड़ा सा ऊपर आता है, फोर्थ स्टेज देखो भाई कुछ इस तरह का लगता है, पांचवी स्टेज में ये इस तरह से बड़ा होता है, और ये सिक्स स्टेज उससे भी बड़ा, और इस सेवन्थ स्टेज में उससे भी बड़ा मतलब इससे ज़्यादा बड़ा होता रहता है। तो इस तरह से कुछ बड़ा होता है ये लगाने से लेकर उगने तक, और फिर खेत में लगाया जाता है। तो चलो गाइस यहाँ से चलते हैं, अपना काम हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है। तो गाइस अभी रात का वक्त हो गया है और आज शनिवार है, और हमारे गांव में जैसे कि आपको पता ही है कि महाआरती होती है। तो फिलहाल हम सभी दोस्त आ चुके हैं मंदिर में, और गाइस मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हमारे सूरजभू जाने वाले हैं आड़ंदी को, क्योंकि वहाँ से वारी निकलने वाली है पंडरपुर को। तो फिलहाल हाँ उनको जाने का वक्त हो गया है उनका, तो महाआरती के पहले ही जाने वाले है, तो थोड़ी गड़बड़ है इसलिए अभी वीडियो ले रहे हैं हम। तो देखो इनके जाने की तैयारी हो चुकी है पूरी, और हमसे मिलने को आए थे और भगवान का दर्शन भी ले लिया है। तो देखो सभी दोस्त, और हमें ये अगले महीने में 4 तारीख को मिलेंगे वापस जब आएंगे वारी करके। तो देखो भाई जाने का वक्त हो चुका है अभी, और अभी जाएंगे। तो भाई हमारे सूरज महाराज ने आड़ंदी के लिए प्रस्थान किया है, और अभी महाआरती भी खत्म हो चुकी है, और ये देखो सभी लोग जा चुके हैं, हम इतने ही है। तो देखो पूरा खाली हो चुका है, और ये मुर्दंग का उंडा निकालते हुए, और ये देखो ये हमारे समागम का म्यूजिक प्रमुख, और हमारे हेड यहाँ के, और ये दीपक, आई एम पैड मास्टर, ये पैड मास्टर, ये कौन है, और ये कौन है, और अभी हम लेने वाले हैं गाना। तो देखो आप, तो अभी हमारा माइक रेडी हो चुका है। नायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणीतदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गुरुमूर्तिताय गुरुदेवताय गुरुसोदधारिणे ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गायकाय विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि। तो भाई यहाँ पे हमारा गाना गीना मस्त सब हो चुका है, तो भाई कैसा लगा ये गाना? बहुत अच्छा, एक नंबर। आपकी क्या राय है, मतलब हम हर शनिवार को ले या क्या करें, एक नवा गाना लाएंगे भजन लाए। और देखेंगे भजन, मतलब गाना इतर अतर कोई गाना नहीं ऐसा, पिक्चर वाला नहीं, भगवान का भजन कोई गाना ऐसा लाएंगे और करेंगे। तो गाइस हम जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम खामगांव और शेगांव के गए थे, तो वहां से हमने कुछ गिफ्ट जैसा लाया था बॉक्स में, तो हमने निकाल के अनबॉक्स करके यहाँ पे मंदिर में लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये गणपति बाप्पा की फ्रेम है कुछ इस तरह की, तो एकदम बढ़िया है भाई, कैसी लगी आपको वो बताना आप। तो एकदम बढ़िया सी फ्रेम लाई है हमने। तो भाई यहाँ का सभी हो चुका है, तो फाइनली इस वीडियो करते हैं एंड। छोटा सा ब्लॉग वीडियो लिया, मतलब थोड़ा सा लिया, हमारे गुरु लोग आड़ंदी को गए और महाआरती हुई,
गाना लिया। तो फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं, आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। तो चलो गाइस यहां से चल चल। और ये हमारे झाले झाले गड़े आजकल पावसाळ्यात उगून रे आई के समाज।